स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पुस्तक नंबर 39 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए, विषय आपका गणित है, डेट है जिसकी 8 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अवश्य पूर्व ज्ञान देयक है। अवर्गीकृत बारंबारता मंडन सारणी की समझ, आपने अवर्गीकृत के बारंबारता की समझ देख ली थी। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लड़ेंगे। तो कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं कि हम अनग्राउंडेड यानी अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी यानी ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसे पहले हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इस विधि में हम आंकड़ों को जैसे अंतराल में छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। इन समूहों को हम वर्ग या क्लास अंतराल यानी वर्ग अंतराल कहा जाता है। यहाँ वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। अब इस प्रकार के वर्ग अंतराल जिसमें जिसे हम अनतिव्यापी वर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए 0 और 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर हों और तथा बड़े 0 से बराबर या उसके बड़े हों और 9 के बराबर या छोटे हों। 10 और 19 में वो अंक आएंगे जो 10 के बराबर हों या उससे बड़े हों और 19 के बराबर या उससे छोटे हों। लेकिन अगर हमें बोला गया है, हमें इसमें क्या दे रखा है, 0 और 9 के बीच में, और हम निकाल सकते हैं 10 और 19 के बीच में, पर अगर हमें नंबर दे रखा हो 9.5, तो हम क्या करेंगे, ना तो ये 9 के बाद, ये तो 9 और 10 के बाद आता है, ना तो ये 9 के पहले आता है ना ये 10 के पहले 10 के बाद आता है। तो 9.5 लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो परेशानी हो गई, हमारे सामने ये समस्या आ जाएगी। 9.5 किसी वर्ग में किस वर्ग अंतराल में रखे, इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हम वर्ग अंतरालों को इस प्रकार में भी देखा जा सकता है। हमें दे रखा नंबर 0 से 10, फिर हम इसे 10 से 20 भी लिख सकते हैं, पर इसमें क्या करना होता है, हमें 0 से 10 में 0 तो नंबर लेना होता है हमें, और 0 से ऊपर 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेंगे। 10 हम नेक्स्ट नंबर में लेंगे, 10 हम यहाँ से लेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक लेंगे, 20 हम नेक्स्ट नंबर में लेंगे। तो यहाँ पे 0 और 10 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर हों तथा वो 10 से छोटे हों, 10 नहीं लेना हमें, 10 से छोटे हों। इस प्रकार के वर्ग अंतराल को हम सतत वर्ग यानी कंटिन्यूस क्लासेस कहते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल को समझ लेते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई है। अब यहाँ पे आपको 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में निरूपित करना है। तो आपको ये नंबर तो दे रखा है, पर आपको तो सबसे छोटे से करना होता है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 150 दे रखा है। अब हमें 5-5 का अंतराल देख रहे हैं, तो 150 से 155 जिसमें हमें 150 तो लेना है पर 155 को नहीं लेना, तो 150 से आप देख सकते हैं एक ही हो गया, 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, 150 से 151 हो जाएगा और हमारा इसमें 154 हो जाएगा और 153 हो जाएगा और 154, 152, 153 हो जाएगा और इसमें हमारा 153, 154 हो जाएगा। अभी नहीं गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही है, तो हमारा बारंबारता मिलान चिन्ह 12 निकल गए। अब 155 और 160 के बीच में देखें हम, तो हमारे 9 निकलने चाहिए, तो 155 के देखेंगे तो 155, 158 हमारा हो जाएगा, 156 हो जाएगा और हमारा 159 हो जाएगा और हमारा इसमें 156 हो जाएगा, 158 हो जाएगा और इसमें हमारा 159 हो जाएगा और 159 हो जाएगा, 158 हो जाएगा और 159 हो जाएगा। तो ये कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये भी हमारे 9 हुए, ये भी करेक्ट हुए। ऐसे हमें 160 से 165 के बीच में निकालना है, तो 161 हो जाएगा, 165 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट में आएगा, तो और 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162, 164 और हमारा इसमें 160 हो जाएगा, 161, 162 और 164 हो जाएगा और इसमें हमारा 100
बासठ, 161 हो जाएगा, और 161 हो जाएगा 162, और इसमें हमारा बस इतना ही है। तो अभी ने गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 हो जाएंगे। तो इसमें भी हमारा 14 ही है। ऐसे ही 162 और 170 और ऐसे ही हम निकालेंगे। और इन तीन आप देखें लास्ट में, अगर आपका कोई भी नंबर छूट रहा है तो अब इन सबका प्लस करके देखें कि हमारे 50 विद्यार्थी ही आएंगे, क्योंकि टोटल हमारा 50 ही आना है। जो हमें नंबर दे रखा है हमारा वही टोटल आना चाहिए। अगर हमारा नंबर टोटल नहीं आ रहा है तो हमें लगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई नंबर हमने नहीं लिया है। अब स्वयं प्रयास कीजिए। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर की दूरी आपको दे रखी है 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं होना चाहिए। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में वर्ग में 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये रहेगी आपकी वर्गीकृत बारंबारता सारणी, जिसमें आपकी ये दूरी किलोमीटर में है, ये मिलान चिन्ह और बारंबारता। 0 और 5 के बीच में 5 ही आपके जो नंबर से वो है, 5 और 10 के बीच में 11 हैं, 10 और 15 के बीच में 12 हैं, 15 से 20 के बीच में आपके 8 लोग आए हैं, 20 से 25 के बीच में 1, 25 से 30 के बीच में भी 1, और 30 से 35 के बीच में 2। इन सबको टोटल करेंगे तो आपका 40 लोग ही आएंगे, तो आप इसमें 40 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपका 40 दे रखा था तो 40 ही आया। 30 दिन में महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंट में दे रखी है, तो आपको 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो इसका आंसर करते हैं, तो ये आपकी वर्गीकृत बारंबारता सारणी हो जाएगी। ये सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगी परसेंट में, ये मिलान चिन्ह और ये बारंबारता। आपको यही दे रखा है 84 से 86 के बीच में, 86 से 88 के बीच में, तो 84 से 86 के बीच में 1 आया, और 86 से 88 के बीच में 2 आए हैं, और 86 से 88 से 90 के बीच में 2, 90 से 92 के बीच में 2, और 92 से 94 के बीच में 7, 94 से 96 के बीच में 6, 96 से 98 के बीच में 7, और 98 से 100 के बीच में आपके ये, तो वो वाली टेबल थोड़ी गलत हो जाएगी, आप इसे कर लेंगे 84 से 86 के बीच में 1, 86 से 88 के बीच में भी 1, 88 से 90 के बीच में 2 आए हैं, 90 से 92 के बीच में 2 आए हैं, 90 से 94 के बीच में 7, 94 से 96 के बीच में 6, 96 से 98 के बीच में 7, और 98 से 100 के बीच में 4। अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे 30 ही आएगा, तो जो कि हमारा 30 ही दे रखे थे, तो 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आप पूरी टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।